नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 25 जून 1975, जो यहां फिर एक बार इमरजेंसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरा है। जहां एक तरफ इमरजेंसी के दिन को लेकर फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर उठाए सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम के पोस्ट को लेकर आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सामने आई बौखलाहट। और वही इमरजेंसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं के ऊपर साधा निशाना। जी हां, जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया, 25 जून 1975 वो इमरजेंसी का दिन जिसे आज भी देश नहीं भूला है, और आज उसी इमरजेंसी को हो चुके हैं पूरे 50 साल। जी हां, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस के ऊपर हमला बोला और कहा कि आज भी कांग्रेस की मानसिकता जो है वो आपातकाल वाली ही है। भारत के लोगों ने कांग्रेस की हरकतों को अब समझ लिया है, और इसी तरीके से पीएम मोदी ने आज फॉर्मर ट्विटर पर कई पोस्ट कर आपातकाल को लेकर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा और कहा कि इसीलिए जनता जो है वो आज कांग्रेस को बार बार इसीलिए नकार रही है क्योंकि आज भी कांग्रेस की वही मानसिकता है। जहां पीएम मोदी ने आपातकाल को लेकर ये 3 पोस्ट किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो कि आज संसद भवन पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आपातकाल पर घिसी पिटी लाइनें बोल रहे हैं। जी हां, जब भी आपातकाल का ये दिन यानी कि 25 जून आता है, सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि देश भर की जनता कांग्रेस को लेकर सवाल उठाती है कि आज जो राहुल गांधी संविधान की प्रति और कॉपी लेकर घूम रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी की दादी ने कभी देश में किया था संविधान को शर्मसार और लगाया था आपातकाल। और देखिए, आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी आपातकाल को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से फिर एक बार कांग्रेस से सवाल पूछे हैं, कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वही घिसी पिटी लाइन जो है वो प्रधानमंत्री बार बार पर बोल रहे हैं। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही देश में जो है वो अघोषित आपातकाल लगा रखा है। जो यहाँ ये बात कही गई है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए देश की जनता ने हमारा साथ दिया और इसीलिए इस तरीके के रिजल्ट जो है वो रहे हैं। आपके लिए बता दें कि आपातकाल को लेकर हमेशा ही जब कांग्रेस से सवाल पूछा गया और कांग्रेस के नेताओं ने उस पर जब रिप्लाई किया, तो हमेशा ही कांग्रेस के नेताओं ने अपनी किरकिरी जो है वो अपने बयानों को देकर की है, और फिर एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर कांग्रेस की ही किरकिरी हो रही है कि एक तरफ आपातकाल लगाने वाली पार्टी जो आज अपनी ही पार्टी की प्रधानमंत्री कभी यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने किस तरीके से देश में मीडिया, प्रेस और लोगों को घर में जबरन बंद करने के लिए बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया, किस तरीके से राजनेताओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, आज वही कांग्रेस के नेता यानी कि राहुल गांधी संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस से सवाल पूछा गया हो, यानी कि आज के दिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है संविधान से लेकर और 25 जून का आपातकाल यानी कि जो 1975 में लगाया गया था, इसी के साथ देखिए एक तरफ कांग्रेस के नेता आज इस पूरे मामले पर बयान देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके बयान उनकी ही किरकिरी करवाएंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर भी जनता आज लगातार सवाल उठा रही है। बात इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने भी आपातकाल को लेकर पूरे कांग्रेस को घेरा है। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। मित्रों, भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में
हुआ था जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, से जयप्रकाश नारायण जी, से लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। कैसे उन्होंने संविधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रियम्बल में संशोधन करके उसकी आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया था। कैसे कांग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। कैसे न्यायालय के अधिकारों को कांग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधक बना के रख दिया था और आज भी कांग्रेस पार्टी में भले ही नेतृत्व बदला हो लेकिन उसका चेहरा बदला हो लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं, भारत के अंदर हर चुनाव की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने अकर्मण्यता का दोष थोपने का प्रयास करते हैं। एक तरफ कांग्रेस का यह तानाशाही पूर्ण रवैया जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं आजादी के तत्काल बाद संविधान अंगीकार करने के मात्र 2 वर्ष के अंदर ही देश के संविधान में संशोधन करके धारा 370 को उसमें जबरन डाल करके देश के अंदर देश की अखंडता को चुनौती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रयास किया था। इसके उपरांत भी समय समय पर कभी मीडिया पर को प्रतिबंधित करके कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का
प्रयास किया था 1975, 25 जनवरी 1975 उसकी पराकाष्ठा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था। 1975 की इमरजेंसी की घटना की 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1975 में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान को फिर से बहाल करने के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने जेल की यातनाओं को सहा था, जिन लोगों ने उस कालखंड में लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया था, हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और उसी का परिणाम है जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं उनका रवैया, उनके कार्यप्रणाली, उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, बंगाल में टीएमसी है, केरल के उनके सहयोगी हैं, या तमिलनाडु के उनके सहयोगी हैं, या कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें जहां कार्य कर रही हैं उनकी कार्यपद्धति को आप देखें, जो लोग जनता को गुमराह करके संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोग कभी अपने गिरेवान में भी झांक के देखें, क्या उन्होंने सही मायने में संविधान का पालन किया था? क्या यह सच नहीं कि देश की संसद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वहां पर जिस प्रकार का आचरण किया था, एक बिल को संसद के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, वहां फाड़ने का काम किया था, यह कैच किसी से छुपा हुआ है? या अन्य अनेक ऐसे कृत्य जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, ये सभी कांग्रेस के वे कृत्य हैं जिसके लिए कांग्रेस को यह देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की तानाशाही में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बने उन सभी राजनीतिक दलों को भी, जिनका उदय ही देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ था, आज वे कांग्रेस की गोदी में बैठ करके जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, यह देश और इस देश की जनता उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस को और कांग्रेस के इन सभी सहयोगियों को जिन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया है, संविधान के प्रावधानों को समय समय पर मानने से इनकार किया है, इसके लिए आज इमरजेंसी की 50 वर्ष पूरे होने पर इन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए और अपने न केवल चेहरे को बल्कि चरित्र को देश के संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय ठीक 50 वर्ष पहले आज के ही दिन देर रात से घटित हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गला घोटकर लोकतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त करने की साजिश रची थी। इंदिरा गांधी
मोदी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 25 जून 1975 की रात के अंधेरे में भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी और सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में बंद कर लोकतंत्र का पूरी तरीके से गला घोटने की कोशिश की। 50 साल बाद भी कांग्रेस में चेहरे तो बदल गए होंगे, लेकिन आज भी उनका चरित्र वही है और उनके हाव भाव अभी भी वही हैं जो 1975 में दिखे थे। कांग्रेस और उनके सहयोगियों को देश और देश की जनता जो है वो कभी माफ नहीं करेगी, और आज के दिन जो है वो कांग्रेस को देश से माफी भी मांगनी चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर देश से माफी मांगने की बात जो है वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। वहीं देखना अहम रहेगा, क्योंकि देखिए 18वीं लोकसभा का सेशन आज संसद में शुरू हो चुका है। तमाम विपक्ष से लेकर विपक्ष के नेता संसद भवन पहुंच चुके हैं, और आज अगर फिर एक बार राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी या कांग्रेस की पार्टी के नेता अगर आज संविधान की प्रति लेकर संसद भवन आज पहुंचे होंगे, अगर आज उनसे सवाल पूछा जाता है, तो देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस के नेताओं का आज पूरे इस पूरे मामले पर क्या कहना होगा और क्या जवाब राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वो सांसद देंगे जो कि आज संसद भवन में मौजूद हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।